तो बेस मॉडल का ग्रिल कुछ इस टाइप का आता है। अगर आपको टॉप मॉडल का लुक देना है तो ये पूरा ग्रिल आपको मिल जाएगा। एमआरपी क्या रहने वाली है इसकी? एमआरपी 11,400। ओके, 18% का ऑफ। ब्लैक वाला हट जाता है, ये लग जाता है, ओके, हो जाता है यही सेम बम्पर में। सेम बम्पर में ऑप्शन भी हो जाता है अपना, देख सकते हैं, जो कि आता नहीं है बेस मॉडल के अंदर, देख सकते हैं। तो ये लास्ट लुक देख सकते हैं आप, अपना जो हैंडल है ये चेंज होने वाला है, ओरिजिनल हैंडल है। अभी जो इसका बटन है ना, ये अभी ये चालू नहीं है, एक दो चार वीडियो के बाद जरूर दिखा देंगे इसको चालू किया। व्हील अब हमारे पास क्रेटा का हम दिखा रहे हैं। तो ये स्पीकर रहने वाले हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं। हाँ बॉस, रिफ्लेक्टर लाइट एक बार जला के दिखाते हैं। अपना मैट्रिक्स रहता है, हाँ सनग्लास, जो सनग्लास होल्डर है। ओके, ओरिजिनल स्टूडियो लेना चाहते हैं मिल जाएगा। तो नॉर्मल आती है सिंपल, इसमें हेडरेस्ट भी इनबिल्ट होता है, इसमें अपना हेडरेस्ट रिमूवेबल होता है। हाँ, इसका जो हेडरेस्ट होता है ना इजीली निकाल सकते हैं। सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हैं आप। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दिखाने वाले हैं क्रेटा, लेकिन क्रेटा किसके यहाँ पे दिखाने वाले हैं, अपने साथ है निक्कू भाई। और निकू भाई क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। ओके, तो आज हम दिखाने वाले क्रेटा बेस मॉडल। हाँ, ई मॉडल है। ई मॉडल है, हाँ। क्या क्या काम होने वाला है इसके अंदर? इसके अंदर जैसे फोक लैम्प लगना था, उसमें एलईडी लगना था, डीआरएल चाबी हुआ है, हेडलाइट में एलईडी हुआ है, अलॉय व्हील आउट ऑफ मार्केट है। कस्टमर का डिमांड था कि मुझे ओरिजिनल नहीं चाहिए, आउट ऑफ मार्केट चाहिए, लेकिन अपने पास ओरिजिनल भी अवेलेबल होता है। ओरिजिनल अवेलेबल है। मिरर फोल्डिंग हुआ है क्रेटा जेन्युइन स्विच के साथ, ठीक है। रूफ ब्लैक हुआ है, ओरिजिनल हैंडल लगेगा, बीडिंग लगेगा, सीट का मतलब म्यूजिक का काम है, डैम्पिंग का सारा काम है, ऑलमोस्ट सारा काम है। और जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी आपके पास? जेन्युइन प्रोडक्ट्स सारे। ओके, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। अभी फ्रंट में हमने लगा दिए हैं इसके अंदर फॉग लैंप्स, जो कि जेन्युइन हुंडई है। जेन्युइन हुंडई है। ओके, अगर किसी भाई को लगवाना हो फ्रंट की जो हेडलाइट आती है टॉप मॉडल वाली, ओके, वो लग जाएगी? हाँ लग जाएगी, अवेलेबल है स्टॉक में। ओके, बाकी साइड प्रोफाइल में बिफोर लुक देख सकते हैं। जैसे तीनों को हेडलाइट लगाना ना, और जेन्युइन ग्रिल चेंज करना वो भी होता है, जैसे अंकल जी नहीं किए। Okay. इसका जो स्किड प्लेट आता है सिल्वर वाला टॉप मॉडल में, वो भी अपने पास अवेलेबल होता है, वो भी नहीं किए। Okay. अपने पास अवेलेबल होता है सारे पार्ट्स। इसका हेडलाइट चाहिए थ्री वाला, वो भी अवेलेबल होता है। Okay. ट्राई वाला हेडलाइट जो इसके आते हैं टॉप मॉडल में, ओके, वो भी मिल जाएगा। बाकी साइड लुक अभी देख सकते हैं, बेस मॉडल में स्टील रिम्स आते हैं, अभी आफ्टर मार्केट लग जाएंगे अलॉयज, अगर लगवाने हो जेन्युइन वो भी मिल जाएंगे। हाँ जेन्युइन मिल जाएगा। ओके, इसके अंदर स्किड प्लेट होता है ना, जैसे बेस मॉडल में ब्लैक आता है और टॉप मॉडल में आप देखोगे सिल्वर कलर का आता है। अगर आपको डार्क एडिशन जैसे क्रेटा भी ब्लैक एडिशन जो निकाली है वैसा चाहिए पियानो ब्लैक में, तो वो भी अवेलेबल होता है। ओके, वो भी अवेलेबल हाँ। मिल जाएगा। बाकी साइड मिरर्स अपने चेंज हो गए। हाँ, साइड मिरर चेंज हो गया। ओके, चेंज हो गए। ये ब्लैक में ही आते हैं? नहीं, ये तो कलर आता है वाइट। ओके, कस्टमर का अपना डिमांड होता है ब्लैक करवाना है, व्हाइट रखना है, जैसे रूफ ब्लैक करवाया ना उसके हिसाब से इन्होंने करवाया, मतलब एक ड्यूल टोन का टच दे रहा है। हाँ, ओके। बाकी साइड इसमें जो अपने ये हैंडल्स हैं, हाँ, ये अभी चेंज करोगे? हाँ, ओरिजिनल हैंडल चेंज करो, इसको हटा के ओरिजिनल लगाओ। ओके, तो बिफोर लुक इसका भी देख सकते हो, चेंज के बाद दिखाएंगे। पूरा रिप्लेसमेंट होता है हैंडल? हाँ हाँ, दो तरीके का आता है, एक चिपकवा लो या पूरा चेंज करवा लो। ओके, दो ऑप्शंस आते हैं। बाकी अंदर से दिखाते हैं कंडीशन, अभी अंदर से डैम्पिंग कर दी गई है। और इसमें कोई कॉम्पोनेंट यूज़ करा? JBL GTO सीरीज, GTO सीरीज करा हुआ है। बाकी अंदर से एक बार लुक दिखा देते हैं। एम्बिएंट लाइट लग चुकी है अपनी K3 वाली। और हेड यूनिट हमने कौन सा इंस्टॉल करा है? हाइपरसोनिक का OEM डिजाइन है। ओके, वैसे अगर किसी को क्रेटा का टॉप मॉडल चाहिए मिल जाएगा? मिल जाएगा। 65,000 का स्टूडियो है। ओके, चार दिन पहले बताना होगा। ओके, चार दिन पहले बताना होगा। बाकी स्टीयरिंग निकल चुका है, स्टीयरिंग में अभी कोई कंट्रोल्स लगेंगे? क्रूज कंट्रोल लगे, स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल दोनों लगेगा। दोनों ये दोनों जेन्युइन हुंडई का होता है। ओके, जेन्युइन हुंडई है, आप देख सकते हैं। ये रे, ये वायर भी जेन्युइन हुंडई का होता है, ये भी जेन्युइन हुंडई का होता है, जेन्युइन हुंडई होता है। यहाँ पे लोगो होता है किया और हुंडई का, ये देख सकते हैं बैजिंग। और फ्रंट से दिखाते हैं, इसमें एक डुप्लीकेट भी आता है? हाँ आता है। ओके, डुप्लीकेट मतलब वो उसका रिलायबल नहीं है ज्यादा? जो डुप्लीकेट का कॉस्ट क्या करता है, 1200 रुपए का करता है। Okay. जब ओरिजिनली 1700-1800 का है तो लगवाने में तो ओरिजिनल फायदा, इसलिए हम ओरिजिनल ही रखते हैं। ओके, विद कॉस्टिंग रखेंगे इस वीडियो को हम सारी। बाकी सीट कवर्स देख सकते हैं, इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिए और अभी स्टीयरिंग का प्रॉपर लग रहा है। बाकी इसमें हमने नीचे स्कफ प्लेट भी एड ऑन करी हुई है क्रेटा की, ये भी जेन्युइन है? हाँ जेन्युइन है। ओके, मतलब अपने पास क्रेटा का सारा सामान है जेन्युइन, जैसे इन्होंने ये लगवाया एमबीएल लाइट। ओके, इनको जेन्युइन लगवाना तो जेन्युइन भी अपने पास है। अच्छा, जेन्युइन टॉप दिखाता हूं मैं, जेन्युइन एक बार लाकर। ओके, जेन्युइन भी दिखाएंगे, ये तो आफ्टर मार्केट में आता है, जो जेन्युइन आता है टॉप मॉडल में वो भी दिखाएंगे अभी। तो ये कुछ आती है अपनी एम्बिएंट लाइट जो कि टॉप मॉडल के अंदर आती है? हाँ, जैसे है ना पेच होता है इसका, और जैसे कंपनी का होता है वो लॉक से निकल जाता है। Okay. और पेच लग जाता है। Okay. और ये जेन्युइन हुंडई का आता है। ओके, जेन्युइन हुंडई का आता है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है अगर किसी भाई को करवाना है। सारा क्रेटा का A to Z सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। वाइपर तक लगवा सकते हो, वाइपर तक भी लगा सकते हो, 60-40 सीट्स भी, वो भी अवेलेबल होता है। ओके, सारी चीज अवेलेबल है। लास्ट में हम दिखाएंगे हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स नहीं लगे इसके अंदर, दिखाएंगे वीडियो के अंदर जो जो अवेलेबल है।
ओके, अभी कंडीशन कुछ इस टाइप के देख सकते हैं आप, रूफ वगैरह सारी चीज रैप हो चुकी है। और पीछे की अगर टेल लाइट चाहिए वो भी मिल जाएगी हमें, पार्पल टेल लगाया हूँ। और टेल लाइट चाहिए ना जैसे टॉप मॉडल का, वो भी अवेलेबल होता है। आउटर मार्केट चाहिए इसमें आता है, वो भी मिल जाएगा। आउटर मार्केट आता है वो भी मिल जाएगा, टॉप मॉडल का चाहिए वो भी मिल जाएगा, सारी चीजें अवेलेबल है। ये पुराने मिरर्स उतर रखे हैं। हाँ हाँ, ये पुराने मिरर में इंडिकेटर नहीं आता ना। ओके, इंडिकेटर फंक्शन नहीं होता इसके अंदर। और बाकी इसमें क्या ऐड ऑन करा? और बूट लाइट लगा रहा है। ओके, बूट लाइट इंस्टॉल कर रहा है। ये भी जेन्युइन है? हाँ जेन्युइन है। ओके, सारी चीज जेन्युइन हो रही है। अभी कंडीशन हमने दिखा दी है गाड़ी की, इसके बाद कंप्लीट लुक दिखाएंगे। तो ये लास्ट लुक देख सकते हैं आप, अपना जो हैंडल है ये चेंज होने वाला है, कम्प्लीटली क्रोम वाला लगेगा। ये देख सकते हैं इजीली चेंज हो जाता है। ये रहा अपना पुराना, अब इसके बाद जो नया लगेगा वो वाला इंस्टॉल करके दिखाएंगे। सो फाइनली अपने क्रेटा का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया, इसमें कंप्लीट हो गया जितना काम था। ओके, जितना काम था कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ी इनकम्प्लीट रहेगी। हाँ, फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट में अपना क्रोम रह रहा है। देखिए हम क्रोम से अच्छा, मैं तो क्रोम बोलता भी नहीं ज्यादा लगाने के लिए, इससे अच्छा कि ग्रील लगवाइए। ओके, इनके अंकल जी को ग्रील और स्किट प्लेट लगा लेते ना। ओके, तो कोई नहीं बोलता बेस मॉडल है। ओके, फ्रंट से एक चेंजेस ये कर सकते हैं, ग्रिल और स्किट प्लेट लगवा सकते हो, प्लेट है। ओके, बाकी नीचे देख सकते हैं फॉग लैंप अपना ओरिजिनल हुंडई है। बाकी ब्राइटनेस इसमें कौन सी इनबिल्ट आती है एलईडी? नहीं, इसमें कंपनी से जो आता है वो हैलोजन होता है। okay. ठीक है, इसमें हम अलग से एलईडी डालते हैं। ओके, अलग से एलईडी डालते हैं। बाकी रिस्पांस दिखाते हैं एक बार, फ्रंट से देख सकते हैं आप फॉग लैंप का रिस्पांस ये रहता है। बाकी ये कौन सी एलईडी लगा रखी है अभी इसके अंदर? इसमें हमने जीवा का एलईडी लगा रखी है। जीवा की वारंटी मिलती है उसके साथ? वन ईयर की गारंटी होती है, वारंटी नहीं। ओके, बाकी हेडलाइट चेंज करने का एक ऑप्शन और मिल जाता है? हाँ, हेडलाइट में अगर जैसे दो तरीके का आता है, अगर इसमें दो तरीके का आता है, ठीक है, एक तो आता है टॉप मॉडल वाला। okay. और एक आता है इसमें। okay. ठीक है, आप इसमें एलईडी लगवा सकते हो। mm-hmm. अगर नहीं तो आपको टॉप मॉडल वाला हेडलाइट लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हो। ओके, okay. अभी तो इसमें हैलोजन आता होगा कंपनी से? कंपनी से हैलोजन आता है, लेकिन हमने इसमें एलईडी लगाया 120 वाट का। 120 वाट की, उसका भी रिस्पॉन्स चेक कराते हैं एक बार, आप सामने देख सकते हैं, डीपर मारना एक बार, ये देख सकते हैं काफी ब्राइट हो जाती है। हाँ, इसकी थ्रो अच्छी है, जैसे आप टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लेते हो ना, इससे ज्यादा इसमें एलईडी की थ्रो होती है। टॉप मॉडल वाली हेडलाइट में थ्रो नहीं होती है। ओके, उसका थ्रो ज्यादा नहीं होता। नहीं होता, लेकिन अपने पास अवेलेबल है, जिनको लगाना हो लगवा सकते हैं। ओके, अवेलेबल है। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो एलॉयस से अपग्रेड कर लिया इसके अंदर, जो कि अपने पास ऑप्शन कंपनी वाले भी हैं। कंपनी वाले भी लगवा सकते हो, अल्काजार का भी लगवा सकते हो, अल्काजार का 18 इंची भी लगवा सकते हो, 17 इंची भी लगवा सकते हो, इसका 16 इंची जो आया नया डार्क एडिशन वो भी लगवा सकते हो, और क्रेटा 17 इंची ओरिजिनल भी लगवा सकते हो। ओके, वैसे अगर कंपनी की कॉस्टिंग मानूं, क्या कॉस्टिंग आ जाती है अपने? कंपनी का जैसे अलॉय व्हील आप लगवाते हो तो 37,500 का होता है 4 पीस। सेट ऑफ विद कैप। हाँ, ओके, विद कैप के साथ। और जितने भी हम ओरिजिनल हुंडई के पार्ट लगाते हैं ना, जनरल पार्ट, उस पे 18% ऑफ। ओके, 18% ऑफ है। जैसे आप फोकलम की मारते हो 1900 रुपया है। ओके, उस पे 18% ऑफ मिलेगा। ओके, 18% ऑफ। हाँ, जैसे क्रूज कंट्रोल का MRP 1800 रुपया है, तो उस पे माने जितने हुंडई का पार्ट है सारे डब्बा पे जितने भी MRP है सारे पे 18% ऑफ मिलेगा। कोई लेबर चार्जेस, कोई कॉस्ट नहीं। ओके, लेबर चार्जेस कुछ भी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस मिलेंगे नहीं आपको, 18% का ऑफ मिल जाएगा जेन्युइन एक्सेसरी। जैसे ग्रिल का MRP 11,400 है, अगर वो लगवाते हो तो उसका 18% ऑफ। ओके, मतलब ऑल टोटल हुंडई प्रोडक्ट्स में 18% का ऑफ। हाँ, बिल्कुल। ओके, साइड प्रोफाइल की और बात करें, एलॉयज दिखा दी हमने, इसके जो फेंडर में लाइट होती है ये हटा दिया। अपने पास इसका बैंट भी होता है, सॉरी बैंट लगाए ना, अपने पास फेंडर भी होता है। ओके, पूरा फेंडर भी चेंज करवा सकते हैं। जिस एक कच्चा पेंट आता है, जिस कलर की गाड़ी है उस कलर के आप करवा सकते हो। ओके, बाकी ये मेन रीजन ये हटाने का ये था क्योंकि साइड मिरर्स लग चुके हैं और उसमें इंडिकेटर ऑप्शन आ चुका है। और इसका फेंडर का रेट बहुत सस्ता है, कुछ ज्यादा कॉस्टली 1800 रुपए का एक फेंडर है। ओके, तो निकू भैया सारी प्राइसिंग बता रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अब इसमें हमने जो मिरर लगाया है, इसमें एक चीज और है, इसमें नीचे लाइट जलती है। हाँ, जलती है अभी। ओके, पेडल लैंप इंस्टॉल, वो वाली लाइट लगाई है ना आपने, ये देख सकते हैं नीचे लाइट ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इसमें भी मिरर दो टाइप के आते हैं? इसमें मिरर दो टाइप का नहीं आता, आता यही पेडल लैंप वाला ही पेडल लैंप वाला ही आता है। ओके, तो ये वाला मिरर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। हाँ, इसमें भी 18% का ऑफ मिल जाएगा आपको। इसका जैसे आप मिरर का MRP 8600 रुपया है दोनों मिरर का। okay. उसमें आपको 18% ऑफ मिल जाएगा। और मिरर में सबसे बड़ी खास बात है ना कि सब बैनू का स्विच लगाते हैं, हमने क्रेटा का स्विच लगाया जनरल। okay. और कार्ट का लगाया, डोर पैनल चेंज नहीं है, फिनिशिंग देख सकते हैं। okay, डोर पैनल चेंज नहीं है, उसी डोर में हमने इंस्टॉल करा हुआ है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग देख सकते हैं आप, प्रॉपर H2S प्रॉपर। और बैनू का स्विच क्या होता है, जैसे है ना, जैसे अभी है ना, इसको हम ऐसी रहेगा, बैनू वाला जो रहेगा वो अंदर चला जाएगा। ओके, अंदर चले जाएगा। ये प्रॉपर क्रेटा का है, प्रॉपर क्रेटा का है। ओके, बाकी फोल्डिंग ऑप्शन भी हो जाता है अपना, देख सकते हैं, जो कि आता नहीं है बेस मॉडल के अंदर।
ये देख सकते हैं एडजस्टिंग भी होती है, सारी फंक्शनिंग करती है ये चीज़ें। बाकी आउटर लुक्स में हमने इसमें जो क्रोम डाला है पूरा हैंडल चेंज है, ओरिजिनल हैंडल है। अभी जो इसका बटन है ना टीएसएमबी, अभी ये चालू नहीं है। okay. इसको हम जल्दी से जल्दी माने एक दो दो चार वीडियो के बाद जरूर दिखा देंगे इसको चालू किया हुआ। ओके, कीलेस एंट्री का ऑप्शन फ्यूचर में इंस्टॉल करेंगे। बाकी ये पूरा चेंज पार्ट है, अगर क्रोम लगाना है वो भी लगवा सकते हैं, वो भी लगवा सकते। क्रोम में जो फीलिंग आता है ना, जैसे ये है इसका पकड़ने का फीलिंग आता है, क्रोम लगाने के बाद वो फीलिंग नहीं आता, वो नहीं आता, वो थोड़ा सा बार बार को बार बार पर आता है, कहीं से वाइट दिख रहा था कहीं से नहीं रहता, इसमें प्रॉपर लगता है कि ये लगा हुआ है। सस्ता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, कोई रस्टिंग का इशू तो नहीं आता। 10 साल तक की वारंटी है ओरिजिनल हुंडई का। जैसे इसका ओरिजिनल हुंडई का ये लगा है, ये लगा, ये लगा है। ओके, ये वाइजर भी ओरिजिनल हुंडई का लगा है। कोई भी चीज काला पड़ जाए 10 साल में चेंज होकर नया पीस मिलेगा। ओके, तो वारंटी मिलती है आपको। बाकी बैक प्रोफाइल की तरफ जाते तो बैक से हमने कुछ करा है इसके अंदर, बैक में सिर्फ एक रियर गार्ड लगवाया सेफ्टी परपस के लिए, फिर इसको ठोके ओके ना। okay. उसके बाद रिफ्लेक्टर लाइट। ओके, रिफ्लेक्टर लाइट एक बार जला के दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये अपना मैट्रिक्स रहता है। हाँ, मैट्रिक्स। ओके, अपना मैट्रिक्स रहता है, ये देख सकते हैं। ये आफ्टर मार्केट में आता है, आफ्टर मार्केट में आता है, 1 ईयर की वारंटी होती है। ओके, बाकी ये SX लगाया होगा। हाँ, SX लगाया। ओके, बैज लगा दिया, SX बनाने की कोशिश करी थी। और रेयर में अगर टेल लाइट चेंज करवा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। हाँ, टेल लाइट का भी एम आर पी इसका 14,514 के एमआरपी है इसका, बैकलाइट का। okay. उसको भी आपको 18% ऑफ मिल जाएगा। बाकी एक आफ्टर मार्केट लाइट आती है अपनी ब्रेक वाली, वो वाली मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। ओके, वो भी अवेलेबल है। उसमें दो तरीके का आता है, फुल के लगने वाला आता है और एक चिपक जाता है इसके ऊपर, दोनों तरीके का अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। बाकी ये हमने कवर कर दिया बैक प्रोफाइल, कैमरा इंस्टॉल करा है इसके। हाँ, कैमरा इंस्टॉल करा हुआ है अपना। इंटीरियर एक्सटीरियर में बस यही करा है हमने। हाँ, एक रूफ रेल और रूफ लैंप। ओके, रूफ रेल हमने लगा रखा है, ये देख सकते हैं। तो ये वाला अपना जेन्युइन है। देखिए, अपने पास रूफ रेल ये जेन्युइन नहीं है, अपने पास जेन्युइन भी होता है रूफ रेल, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपने पास रूफ रेल ना 2200 से स्टार्टिंग हो जाता है और जेन्युइन 7000 रुपये का आता है। ओके, तो जेन्युइन 7000 का था, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 18%। ओके, तो ये वो नट वाला सिस्टम है इसमें। हाँ, नट वाला सिस्टम है। ओके, तो ये मतलब कहीं भी हिलेगा विलेगा नहीं, अपने प्रॉपर प्लेस में। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो ये करा रूफ ब्लैक करी थी, ऊपर शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन ओरिजिनल नहीं है, आपका मार्केट वाला है। हाँ, तो ये हमने इंस्टॉल करा है। अब इंटीरियर से दिखाते हैं, इंटीरियर से क्या क्या करा हुआ हमने। तो डोर पैनल से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं चेंजेस। सबसे पहले तो साइड मिरर का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे बटन, और ये वाला चेंज करा हमने इनर हैंडल। हाँ जी, इनर हैंडल ओरिजिनल हुंडई का है, ओरिजिनल हुंडई। ट्विटर सैश भी ओरिजिनल हुंडई का है। ट्विटर सैश भी हमने इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर। अब ट्विटर, पहले तो यहाँ पे स्टिक आती थी, पहले आता था क्या था, पहले अब इस पे क्या था, गोल कटिंग आता, जैसे एडजस्ट वाला होता है, एडजस्टिंग होती है। तो कस्टमर का डिमांड आता है कि जैसे मुझे टॉप मॉडल वाला पूरा फील चाहिए, तो इसका टॉप मॉडल वाला ट्विटर सैश। तो देख सकते हैं टॉप मॉडल वाला ट्विटर सैश भी लग गया। बाकी इसमें हमने लेदर राइट वर्क भी करा हुआ, देख सकते हैं सॉफ्ट टच में डबल स्टिचिंग के साथ, ये भी हो जाता है। हाँ, ये भी हो जाता है। ओके, ये भी करवा सकते हैं। और बाकी क्रेटा की आप देख सकते हैं इसका प्लेट, ये भी इंस्टॉल करी हुई है हमने। एम्बियंट लाइट देख सकते हैं, K3 अपनी नाइट में व्यू देख सकते हैं। एम्बियंट लाइट की क्वालिटी देख सकते हैं। ये अपनी सेट ऑफ कितने पीसेस वाली है? 6 पीसेस वाली है। हाँ। ओके, बाकी इसके अंदर थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, लग रहा है इस पे सनग्लास होल्डर लगा रखा है। हाँ हाँ, सनग्लास ओरिजिनल सनग्लास होल्डर है। ओके, ओरिजिनल सनग्लास होल्डर, ठीक है। इसके बाद इसका क्रूज कंट्रोल और स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल देख सकते हैं ऑप्शन बेस मॉडल के अंदर आता है। स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी दिखाओ, देखो किस तरीके का स्टीयरिंग रैप की क्वालिटी देख सकते हैं। ये जिगजैग वाली स्टिचिंग में करा गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही बकेट फिट में सीट कवर इंस्टॉल करे हुए हैं। तो निकू, ये कौन से कपड़े में? इससे नॉमिनेशन फ्यू होता है, ठीक है। ओके, इसके अंदर ना सॉफ्टनेस, इसके जैसे कस्टमर का डिमांड होता है मुझे सॉफ्ट चाहिए, जैसे बैठने में हार्ड ना हो, कोई लंबा टूट पे जाती हो, तो इसके लिए इससे सॉफ्ट कपड़ा कोई नहीं आता। ओके, बाकी क्वालिटी काफी सुपर फाइन रहने वाली है इसकी। तो ऐसे सीट कवर लगवाने अगर क्रेटा जैसी गाड़ी में, तो बेसिक स्टार्ट कितने से हो जाते हैं? अगर ऐसे सीट कवर क्वालिटी वाइज अगर लेते हो, बढ़िया चीज लगाते हो, तो 11-12 हज़ार रुपए का लगता है। okay. अगर इसी डिजाइन में आपको सस्ता चाहिए तो 5000 से स्टार्टिंग हो जाता है बकर सीट। ओके, 5000 से स्टार्ट, कोई भी गाड़ी का आपको बकर सीट को 5000 से स्टार्टिंग मिल जाएगा। ओके, 5000 से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इसके अंदर बैठ के दिखाते हैं हम, और हमने क्या क्या लगा रखा है इसके अंदर। बाकी देख सकते हैं हमने इसमें एंड्रॉइड प्लेयर इंस्टॉल करा हुआ है। हाँ, ओके। इसमें अपने पास इसका, जैसे बहुत कस्टमर का डिमांड होता है ना, मुझे बॉस का स्पीकर चाहिए, इसमें अपने पास बॉस का स्पीकर भी अवेलेबल होता है। ओके, बॉस के स्पीकर भी मिल जाएंगे। हाँ, जो टॉप मॉडल में यहाँ पर लाइट आता है ना, ग्रिप वाली लाइट, वो भी अवेलेबल होता है अपने पास। ओके, वो भी मिल जाएगा। हाँ, वाइपर लगवाना चाहते हैं, वाइपर मिल जाएगा। ओके, ओरिजिनल स्टूडियो लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। ओरिजिनल यूएसबी लगवाना चाहते हैं। ओके, यूएसबी भी ओरिजिनल लगवाना चाहते हैं, वो भी है। पीछे यूएसबी लगवाना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा। ओके, पीछे भी यूएसबी ओरिजिनल। ओके,
तो ये वाला अगर स्टीरियो किसी को चाहिए तो ब्रांडेड जो टॉप मॉडल के अंदर आता है वो भी लगवा सकते हैं। बाकी टोटली भैया चेंज कर देते हैं गाड़ी, बिल्कुल ही टॉप मॉडल बना देते हैं। जिनको टॉप मॉडल बनाना टॉप मॉडल भी, जिनको बेस में थोड़ा बहुत काम करना वो भी काम हो जाता है। ओके, बेस में अगर आपके अगर मीटर अगर चेंज होना चाहे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मीटर चेंज हो जाएगा, 18,000 रुपए का मीटर चेंज हो जाएगा। ओके, 18,000 का मीटर है। बाकी ये मीटर बेस मॉडल का देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आता है। तो इसमें हमने पार्सल ट्रे भी इंस्टॉल करा है, ये देख सकते हैं इस पैकेजिंग में आता है, ये जेन्युइन हुंडई देख सकते हैं बैजिंग आता है और यहाँ पे भी हुंडई लिखा हुआ है, ऐसे लगा चुका हूँ यहाँ पे। ओके, इसमें दिखाते हैं आपको एक बार, ये देख सकते हैं हुंडई की बैजिंग आती है। बाकी इसमें जो बूट लाइट हमने सुबह दिखाई थी वो इंस्टॉल हो चुकी है, ये देख सकते हैं। तो ये अपना गाड़ी अनलॉक में चलती है? हाँ नहीं, अभी बंद कर दो, जैसे डिक्की ओपन होगा तब चलेगा। ओके, डिक्की ओपन होगी तब चलेगा। बाकी ये सारा काम करा था हमने क्रेटा के अंदर। तो अब कुछ जेन्युइन पार्ट्स भी दिखाते हैं जो अपने पास अवेलेबल है क्रेटा के लिए। तो अभी हमारे पास आ चुके हैं जेन्युइन पार्ट्स क्रेटा के लिए। तो भैया सबसे पहले क्या दिखा रहे हो? ये स्किड प्लेट। ओके, स्किड प्लेट दिखा रहे हैं अभी। जैसे अभी देखो मैं बता दूं, जैसे MRP इसकी आगे की। ओके, इस पे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है? ओके, 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। ये लगवा सकते हैं टॉप मॉडल, अगर लुक देना है आपको टॉप मॉडल का तो ये लगवा सकते हैं। इस टाइप की आती है, सिल्वर आती है। ओके, सिल्वर आता है ये, ये देख सकते हैं। ये एक बार रख के दिखाएं ये कैसा लगता है। तो ये पार्ट अपना यहाँ लगता है, ये ब्लैक वाला हट जाता है। ओके, ब्लैक वाला हट जाता है, ये लग जाता है। ओके, तो रिप्लेस हो जाता है ये सेम बम्पर में। सेम बम्पर में, पीछे वाले में ना क्या करना पड़ता है, पीछे वाले में पूरा बम्पर चेंज करना पड़ता है। ओके, पीछे का जो हम करेंगे ना तो पीछे का पूरा बम्पर आता है। ओके, पीछे का पूरा बम्पर आता है अपना, ये देख सकते हैं। अगर पीछे का पार्ट बदलना है वो भी चेंज हो जाएगा, पूरा सेम बम्पर में हो जाता है, बम्पर चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। पीछे वाले में आपको खाली ये बम्पर चेंज करना पड़ेगा। ओके, पीछे चेंज करना पड़ेगा? हाँ, पीछे चेंज करना पड़ेगा, ये वाला बम्पर लगेगा, ओरिजिनल हुंडई का ही होता है। ओके, ये वाला बम्पर लगेगा अपना पीछे। ओके, तो ये ब्लैक में आता है, पीछे भी ये ब्लैक है ना, इधर देखो। ओके, तो पीछे वाला पार्ट दिखाते हैं एक बार आपको, ब्लैक है ना, ये ब्लैक है, इस पे ज्वाइनिंग होता है, निकल नहीं सकता। ओके, अब तो आप उन्होंने कहा था ये देख रहे हो यहाँ पे, फिर लॉक वो बच जाता है स्लो वाला पीस। ओके, तो वैसे इसमें सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें ये पार्ट अलग आ जाता है। हाँ, अलग आया तब जाके वो लगता है, इसलिए पीछे का चेंज होता है। ओके, तब जाके लगता है, पीछे का चेंज हो जाता है। ये वाला पार्ट भी लगवा सकते हैं, आपको MRP भी बता दी भैया, इसकी भी एक बार MRP बता। इसकी 1299 रुपये है। ओके, 1299 रुपये रहने वाली है इसकी MRP। बाकी ये वाली सीट्स अपनी 60-40 रहने वाली है, ये देख सकते हैं। आर्मरेस्ट के साथ विद कप होल्डर देख सकते हैं, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बेस वेरिएंट में अभी दिखा दूँ। जो सीट्स हमारी आती है वो नॉर्मल आती है, सिंपल। इसमें हेडरेस्ट भी इनबिल्ट होते हैं, इसमें अपना हेडरेस्ट रिमूवेबल होता है। हाँ, इसका जो हेडरेस्ट होता है ना तो ईजिली निकाल सकते हैं इसमें। और इसके तीन चीज़ लगते हैं, दो पीस तो ये हो गया और एक फिटिंग लगता है। ओके, तो ये वाली अपनी एक सिंगल है, एक सिंगल और पीस आएगी। 40,000 रुपये की सीट है। ओके, 40,000 की सीट आती है। हाँ, इसमें भी ऑफ है? ऑफ है, इसमें भी ऑफ है। ओके, इसमें भी 18% का ऑफ मिलेगा। इसके बाद अपना एक ग्रिल होता है ओरिजिनल। ओके, ये रही अपनी ग्रिल, इसको पैक करना। तो बेस मॉडल का ग्रिल कुछ इस टाइप का आता है, अगर आपको टॉप मॉडल का लुक देना है तो ये पूरा ग्रिल आपको मिल जाएगा। MRP क्या रहने वाली है इसकी? MRP 11,400। ओके, 18% का ऑफ हो जाएगा। ओके, पूरा रिप्लेस और जो इसकी प्लेट लगा, जैसे टॉप मॉडल में ग्रिल लगाते हैं, तो सेम कलर का, जैसे कलर है ना ग्रे कलर का, ऐसे सेम आ जाते हैं। ओके, नीचे आ जाता है सेम, बिल्कुल फ्रंट से टॉप मॉडल लगेगी फिर लुक में। बिल्कुल आपको सारे चीज जेन्युइन हुंडई दिखाने वाले हैं आज हम। सीट्स दिखा दी, ग्रिल दिखा दिया, और क्या चीजें हैं अभी? तो ये स्पीकर रहने वाले हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं। हाँ, बॉस। ओके, बॉस के स्पीकर्स ये देख सकते हैं, बॉस के हुंडई किया की बैजिंग भी मिल जाएगी आपको। दोनों गाड़ी में ना बॉस का यही रहता है, जो किया सेल्टोस में भी लग जाता है और क्रेटा में भी लग। ओके, साउंड क्वालिटी कैसी रहती है? बहुत मस्त है। ओके, इसकी अच्छी क्वालिटी है। ओके, जैसे टॉप मॉडल में जो स्पीकर आते हैं सेम वैसी क्वालिटी, चार कंपोनेंट का एम्पलीफायर नहीं लगाना, चार इसका ये लगा ले, दो ट्यूटर लगा ले, बहुत ही क्लासिक साउंड आता है। ओके, क्लासिक साउंड आता है। बाकी ये ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा, अगर आपको लगवानी है तो लगवा सकते हैं। तो अभी निकालने वाले हम ये बॉक्स है अपना, ये अपना अल्काजार का 18 इंची वाला आया है। ओके, अल्काजार वाला निकाल छोटू जैसे, जो किसी किनों को लगाना है क्रेटा है। ओके, तो लगवा सकते हैं। जो क्रेटा का टॉप मॉडल आता है उसमें कितने इंचेस हैं? वो तो 17 इंची है। ओके, 17 वो भी दिखा रहा हूँ, ये 18 इंची का। ओके, अल्काजार वाला अगर कोई भाई देख रहा है तो ये वाला अलॉय भी अवेलेबल है 18 इंचेस में, अगर क्रेटा में भी लग जाएगा। हाँ, किनों को अल्काजार में 17 इंची आता है लग के, किनों को 18 इंची लगाना तो भी अवेलेबल अपने पास। ओके, अवेलेबल है। बाकी ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें भी 18% का MRP पे। ओके, 18 इंचेस एलॉय का कॉस्टिंग क्या आ जाती है? लमसम लमसम अल्काजार का अलॉय का 44-45 हज़ार रुपए। ओके, विदाउट टायर है ये? हाँ, विदाउट टायर, विदाउट टायर। ओके, सिर्फ एलॉय का रेट बताया हमने।
बाकी क्रेटा का डायमंड कट जो है उसका 37,500 डिस्काउंट करके ओके 37,500 डिस्काउंट करके ऐसे लेते हैं। एमआरपी है उसका लमसम 10,800 रुपया एक पीस का। ओके उसका कैप फिर 800 रुपये का अलग से। ओके कॉस्टिंग हमने पूरी डिटेल में रखी हुई है। तो अभी हमने आपको एल्काज़ार का दिखाया था एलॉय व्हील, अब हमारे पास क्रेटा का हम दिखा रहे हैं। ये 17 इंचेस है, ये 17 इंची है। ओके इसमें क्रेटा में ना और अपने पास वो भी अलॉय व्हील अवेलेबल है जो 16 इंची जो अभी डार्क एडिशन में जो आया ना वो भी मिल जाएगा। अच्छा डार्क एडिशन वाला अलॉय व्हील 16 इंची का आया जिसके को जैसे इसमें तो क्या हो टायर चेंज करना होगा, अगर को टायर नहीं चेंज करवाना होता तो वो लगवा सकते हो। ओके तो जिसको टायर नहीं चेंज करवाना स्टॉक टायर में डलवाना है वो डार्क एडिशन वाला एलॉय लगवा सकते हैं। लगवा सकते हैं जिनको करवाना है तो 17 इंच में भी अवेलेबल है। ओके इसमें ग्रे वाला भी आता है। ओके इसमें ग्रे वाला भी आता है टॉप से नीचे वाला तो उसमें वो डल जाएगा। ओके कॉस्टिंग क्या रहती है उसकी तो 22,000 रुपये का मिल जाता है। ओके और इसकी मिलेगा ए एल आई बिल 37,500 का। ओके 37,500 ओके विद कैप मिलेगा ओरिजिनल हुंडई का। ओके वीडियो लेंदी हो जाएगी काफ़ी सामान अगर दिखाते रहे तो। सारे पार्ट्स अवेलेबल है, आप शॉप पे विजिट कर सकते हैं और सारे चीज़ें देख सकते हैं और फिर लगवा सकते हैं। बाकी निकू भैया कहाँ आना पड़ेगा अगर क्रेटा मॉडिफिकेशन करवानी है कोई भी गाड़ी तो निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड करोल बाग। ओके स्क्रीन में फ्लैश होता हुआ भी निक्कू भैया का नंबर मिल जाएगा। सो फाइनली हमने एसेसरीज भी दिखा दी और सारी चीज़ें दिखा दी क्रेटा बेस मॉडल की। तो अपने साथ सर हैं, सर से नाम जानते हैं सबसे पहले। सर आपका नाम? मेरा नाम पवन किशोर है। ओके सर आप कहाँ से ट्रैवल करके हैं? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। ओके दिल्ली से ही हैं। ओके तो आपको कैसे पता लगा था निक्कू कार का? ये एक्चुअली क्या होते हैं हमारा बेटा ही है साथ में है और ये यूट्यूब में जो इनके जो निक्कू कार सर्विसेज के जो चैनल देखता रहता था। ओके और कहते जो है उनको सारी जानकारी उससे मिलती। ओके बेसिकली यूट्यूब के थ्रू आपको पता लगा था। ओके तो ऑल ओवर आपने जो काम करवाया सेटिस्फाइड है? ओके कोई अगर रिमार्क है आप दे सकते हैं अगर कुछ रिमार्क है? आइए करोल बाग निक्कू भाई से काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। निक्कू भाई से काम करते हैं, टाइम लेते हैं पर पूरा काम करते हैं। ओके मतलब इनके पास सारे जेन्युइन पार्ट्स थे? सारे जेन्युइन पार्ट्स थे ह्युंडई के, जो जो उसमें ओएम लगने थे बाकी जो आफ्टर मार्केट काम होना था वो भी बहुत बेहतर हुआ। ओके और सेटिस्फाइड। रेटिंग की बात करूँ 10 में से आप कितने लोग? 10 में से 10 देना चाहेंगे। फुल मार्क्स से? फुल मार्क्स से कोई डाउट नहीं है एंड सेटिस्फाइड पूरे काम। ओके इन फ्यूचर किसी को रेफर करोगे आप? बिल्कुल रेफर करेंगे, जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई ग्रेटर लेगा तो निक्कू भाई को रेफरेंस देंगे। ओके निक्कू भाई इसकी कॉस्टिंग क्या आती है अगर सेम इतनी तैयार करनी है तो? 130 से 140। 130 से 140 विद अलॉय इंक्लूड है? नहीं अलॉय नहीं, अलॉय इंक्लूड नहीं। करवा तो 150+ का ही है। ओके 150 से ऊपर जाएगा कॉस्ट इसकी? अगर पूरा टॉप बनवाते हो तो कम से कम 2.5 लाख रुपये। ओके पूरा टॉप करते तो 2.5 लाख रुपये लग जाते हैं। ओके तो यही थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। हमने क्रेटा दिखाई आपको, नेक्स्ट वीडियो तक और भी कुछ अपग्रेडेशन दिखाएंगे। तो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में निक्कू भाई के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।